नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, बिहार राज्य पिछड़ा और अति पिछड़ा निदेशालय के गठन की जो बात है उसको दोस्तों हरी झंडी मिल गई है। दोस्तों, मैं बात करूं अगर ये पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की, तो पहले दोस्तों ये जो है कल्याण विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन दोस्तों इसको जो है राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसको दोस्तों कल्याण विभाग से निकाल के इसको विशेष विभाग का गठन जो है इसको जो है कर दिया गया है, जिसका नाम दोस्तों बिहार पिछड़ा अति पिछड़ा निदेशालय यहाँ पर कर दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है इसका गठन किया जा रहा है, इसके फायदे भी दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसके गठन होने के बाद दोस्तों इसमें जो वैकेंसी यहाँ पर नियुक्त की जानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 446 वैकेंसी दोस्तों यहां पर रिलीज की जाएगी। यहां पर नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है दोस्तों, और कौन कौन से पद जो है इसमें निकाले गए हैं, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर दोस्तों अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अदर स्टेट वाले भी देख रहे हैं तो भी दोस्तों यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं पूरे इंडिया में निकाली गई गवर्नमेंट भर्ती यहाँ पर जो है योजनाएँ और सभी प्रकार की यहाँ पर जो भर्ती के बारे में यहां पर बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। यहां पर दोस्तों आपके सामने एक देख रहा होगा, यहां पर जो है एक अखबार का मैंने कटिंग यहां पर लेकर आया हुआ हूं। तो यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को दोस्तों यहां पर जो है राज्य सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो है इसके फायदे बता देता हूं, जैसे इसके गठन होने के बाद दोस्तों किनको यहां पर फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको यह बता देता हूं, इसके गठन से दोस्तों पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से मिलने वाली जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं जो मिलती थी उनको दोस्तों यहां पर जो है जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए इस निदेशालय का दोस्तों यहां पर गठन किया गया है। निगरानी रखने के लिए भी दोस्तों यहां पर विशेष प्रकार का एक निदेशालय भी यहां पर गठन किया जा रहा है, ठीक है, ताकि दोस्तों जो यहां पर जो सरकार की जो योजनाएं हैं यहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सभी परिवारों को यहां पर जो है सरकार की योजनाओं का यहां पर लाभ मिल सके। इसके लिए दोस्तों यहां पर हम बात करें, यहां पर जो है 446 पदों को यहां पर नियुक्ति करने की जो बात है वो दोस्तों यहां पर कही जा रही है। तो अब हम बात करें दोस्तों किन किन पदों पे यहां पर जो वैकेंसी है यहां पर रिलीज की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें निदेशालय में होने वाले पद, तो यहां पर आप देख सकते हैं निदेशालय में होने वाले पदों के बारे में यहां पर पूरा विवरण दिया गया है। निदेशक एक होता है, आप सभी जानते हो निदेशक की एक है, जैसे डायरेक्टर बोलते हैं जिसको एक वैकेंसी है, संयुक्त निदेशक की एक है, उप निदेशक की दो है, सहायक निदेशक की चार है। तो ये दोस्तों आपको देख लेना है, जिसके पास ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए दोस्तों हम बात करें तो यहां पर आपको वैकेंसी यहां पर दिखेगी जो यहां पर क्षेत्रीय कार्यालय में होने वाले पदों के बारे में बताया गया है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रमंडलीय उप निदेशक, जिला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी, अनुमंडल पिछड़ा अति वर्ग पदाधिकारी, सहायक प्रशासी पदाधिकारी, ठीक है, और यहाँ पर उच्च वर्गीय लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक की। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करें एजुकेशन की, तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं मिनिमम एजुकेशन अगर आपके पास दोस्तों ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, टेक्निकल कोई डिग्री है आपके पास, आने वाले दोस्तों एक से दो महीने में दोस्तों इस योजना के तहत, इस निदेशालय के तहत जो गठित की गई है यहाँ पर भर्ती जो है ये रिलीज की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस न्यूज़ को सुन के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।